परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना और जो थोथा बुसे छड़े किसाना। परमेश्वर कबीर जी बताते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते थे हम चारों युगों में आया और उस उन अच्छी आत्मा दृढ़ भक्तों को श्रेष्ठ पुरुषों को मैं मिला, उनको तत्व ज्ञान से तृप्त किया, सचखंड दिखाया, उनको वापस छोड़ा, फिर उन्होंने भी रुक के मार मार के आवाज़ लगा लगा के इस मेरे तत्व ज्ञान का प्रचार किया और मैंने भी अपने आप आकर के अपने आत्माओं, वेद कहते हैं वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को, अध्यात्म तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को स्वयं ही आकर ठीक ठीक बताता है और वो कहीं भी खड़ा होकर ऊंचे आवाज में लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम, कविताओं के माध्यम से, दोहों और श्लोकों के माध्यम से अपनी कबीर वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को उच्चारित करता है, उसका उच्चारण करता है, प्रचार करता है ऊंचे स्वर में गूंज गूंज के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16-20 तक ये कति कंसेप्ट क्लियर है कि जिस कारण से वो कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करता है, इसलिए उसका उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है। प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है अमर पुरुष, क्योंकि अन्य कवि जैसे तुलसीदास जी और दूसरे कवि हुए हैं और उनमें से कबीर परमेश्वर जी की वाणियों में दिन रात का अंतर है। उनको उनकी तो व्यवहारिक और छोटी मोटी ज्ञान से युक्त वाणियाँ हैं और परमात्मा की परमेश्वर के संबंधित अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण वाणियाँ हैं जो अपने सामाजिक जीवन पर भी खरी होती हैं। तो उसमें लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को उच्च स्वर में आवाज में उच्चारण करता है, बोल बोल के सुनाता है। स्वयं परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगाई और चारों युगों में मैंने भी आवाज हेला दे देकर, रुक के मार मार के आवाज लगा लगा के ऊंचे स्वर में बोलना, हेला देना। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। अब ये तत्व ज्ञान रूपी यथार्थ भक्ति विधि रूपी ये हीरे और मोती हमने बखेर रखे हैं और इनको ये चुगते नहीं, क्योंकि इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने उन हीरे मोतियों की पहचान कौड़ियों के रूप में करवा रखी है। तो ये डड़े डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना रूपी जो पूजाएं आप करते हो, आन उपासना करते हो, ब्रह्म पर ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि देवी देवताओं की जो पूजा तुम करते हो, ये तो डड़े इकट्ठे करना, कंकर इकट्ठी करना। क्या अब जैसे एक ये मंत्र है जो आपको दिया जाता है प्रथम मंत्र में, श्रीयम मंत्र है, श्रीयम ये दुर्गा का मंत्र है। एक जगह ये दास सत्संग कर रहा था, वहाँ एक भगत ने बोला जी, उसको बताया गया था ऐसे ऐसे, ने बोला मैंने तो ये माया माया का दे दे मंत्र, बस मंत्र धन धन चाहिए, माया का मंत्र दे दे, घना धन हो जा। अब घना धन हो गया, कार ले ली, कोठी बना ली और ये डड़े ढोके ये इकट्ठे कर कर मर गया, फिर साथ कुछ भी ना गया, ये तो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए, ये डड़े ढो लिए। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती बरसे
ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मन माणक लहर समंदरे मुर जीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समंदरे मुर जीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। ओए होए अब परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो इनका मोतियाबिंद हो रहा है। जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है उसकी आंख कति स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ नो डिफेक्ट, और उन्हें दिखता कति नहीं, कति नपट अंधे होते हैं वो। तो कहते हैं जिनको तुम विद्वान और संस्कृत भाषा के जानने वालों को विद्वान मान बैठे, ये विद्वान नहीं है। इनका तो मोतिया बिंद हो रहा है, इन वेद पढ़ने पर वेद ना जाने, ये बांचे पुराण 18 और जड़ को फिर ये पूजा खुआवे भूल गए सृजनहारा। अब वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, हर मंदिर बनवाओ दुर्गा का सतयुग के ब्राह्मण ब्राह्मण ऋषि महर्षि और वेद ज्ञान के बिना पूर्ण विद्वान थे, टट्टू विद्वान थे ये। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे। ब्रह्मा विष्णु महेश तक अंध वेद ज्ञानहीन, और ये ब्राह्मण ऋषि महर्षि सारे वेद ज्ञानहीन, और वेद पढ़े पर वेद ना जाने, बांचे पुराण 18 और पत्थर का आगे भोग लगावे भूल रे सृजनहारा, दीन की अकल की जारी। मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंधरे। दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये इनका ज्ञान वाली आंख नहीं थी, ये संस्कृत भाषा को जानने के कारण हमने विद्वान दिखे थे, पर ये विद्वान कति नहीं थे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये कति कंसेप्ट क्लियर किया है कि जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लेते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कहते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बनाओ बताओगे उससे सुनो। तो ये परमात्मा कबीर जी थे विद्वान है, है। नर नारायण देहे पाके जय कट्यानक जमका फंदरे। ये मनुष्य नर नारायण भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके बता सब कहते थे भाई नर नारायण दे ही है या भगवान जैसा शरीर है मनुष्य का, फिर भगवान निराकार क्यों करो गया। नर नारायण दे ही पाके जय कट्याना जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही ध्यक है जाकी जंदरे। नर नारायण भगवान जैसा ये सुंदर शरीर पाके परमात्मा के तुल्य यानी उसी जैसा, और जय कट्याना काल का फंदरे, जय काल जन्म मरण का पीछा नहीं छूटा। और कहते रतन अमोली दर्शत नाही, उनको इसका विश्वास नहीं हो पा रहा और उनको ये ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, तो धिक्कार है उनकी जिंदगी को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंदरे। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति जो करे उस अविनाशी की और भजन करे उस गोविंद का, वो है गोविंद। और भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। परमात्मा कहते हैं कि जिसके सच्चे दिल से भगवान की भक्ति हो, सच्चे भाव से लगन से ये सतमंत्र जो जाप कर रहे हो विधिवत लगे हुए हो, उसका आगे इंद्र भी भिखारी तुम्हारे सामने, ये राजा भी रंक है आपके सामने। कहते कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को ये धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे।
पूर्ण ब्रह्म रते रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। कहते हैं आप ये सच्ची भक्ति करोगे तो आपकी कीर्ति होगी, कहाँ सतलोक में चले जाओगे। और यहाँ दुनिया गुण गाया करती वह बहुत बढ़िया, देख अपना कल्याण करवाएंगे, हम रह गए पाछे जीखेंगे फिर वह। आप पुण्यात्माओं जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने बताया, कबीर परमेश्वर के बारे में गरीबदास जी कहते हैं, जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहाँ ध्रु पर लाद भी ना पहुँचे सुखदेव कुमार न पाई। वो परमात्मा सतलोक में रहता है और यहाँ एक ब्रह्मांड का सबसे लास्ट प्लेस स्थान है जटा कुंडली, जटा कुंडली जहाँ से गंगा आगे कुचली थी, और उस जटा कुंडली में ये काल रहता है। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्रह्मलोक के ऊपरले स्थान पर है इसका सरोवर, और वहाँ ये तीन इसने स्थान बना रखे हैं। कहते हैं इस जट कुंडल से भी ऊपर हमारा स्थान है। प्रत्येक ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर का एक राजदूत भवन है, जैसे राजदूत भवन होया करे ना प्रत्येक देश के प्रत्येक देश में। तो गरीबदास जी कहते हैं, जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, ध्रु पर लाद भी ना पहुंचे सुखदेव को मार्ग न पाई। और परमात्मा कहते हैं, सोलह संख पर हमारा तकिया, सोलह संख कोस की दूरी पर हमारा सतलोक तकिया है, वहाँ स्थान है, अजर अमर स्थान है, सनातन परम धाम, वो तीसरा मुक्ति धाम है। सोलह संख पर हमरा तकिया हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, वहां से चल कर आए, ये कट्टण काल का फंदा। अब थोड़ी सी अमर वाणी सुनाते हैं आपको परमात्मा की, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 20 में बहुत कंसेप्ट क्लियर किया है कि वो परमात्मा कबीर देव है और वो कबीर वाणी के द्वारा अपनी अमृत वाणी सचिदा गणबरद की वाणी का उच्चारण करता है अपने मुखारविंद से, वो ब्रह्मणे मुखे कहलाती है। और वो जब परमात्मा वहाँ आता है तो बहुत बड़े समुदाय का राजा की तरह वो एक उसका उनका मुखिया होता है, और वो परमात्मा अपने लोकोक्तियों के माध्यम से कविताओं के कविताओं से जो उच्चारण करता है, जिस कारण से वो कवियों प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा। और उस ऋषिकृत, ऋषि कहो संत कहो या भक्त कहो, परमात्मा एक अच्छे भक्त भी कहलाए थे, उस ऋषिकृत ऋषि मना साधु जैसे स्वभाव वाले ऋषि मना, साधु जैसे आप हो ऋषि मना, साधु संत जैसे स्वभाव वाले हो गए, और उन ऋषि मना उसके द्वारा बनाई गई वो कविता अमर वाणी उनके एक बहुत बड़े समुदाय को जो उसके अनुयायी होंगे उनको अमृत जैसी प्यारी स्वादिष्ट मधुर लगेंगी वह उस परमात्मा की वाणी, ये लिखा तो वो वाणी है ये। अब गरीबदास साहेब जी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का कैसे वर्णन कर रहे हैं, कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। परमात्मा कहते हैं कबीर जी की जो शक्ति महिमा है ऐसी है जैसे कस्तूरी को ना हिलावे डुलावे तो भी उसमें से गंध महक अपने आप छूटी रहती है। कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े मकंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत, कि उसके बराबर कोई संत नहीं है। ये आदि और अंत का सारा ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ, कबीर जी गरीबदास जी बताते हैं। चिदानंद चंदन कला अवगत लेर उठंत, झीना आकार अजोक पद फिर त्रिकुटी में दीखंत।
नैनो मद निरखत रह ये अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर तीर। दो